नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजस्थान की दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन प्रत्याशियों की घोषणा में दोनों ही पार्टियों ने बेगानों को अपना बनाते हुए गले लगाया है, वहीं अपनों से सुतेलापन दिखाते हुए किनारा किया है। इस सुतेलेपन की कहानी श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ी है। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुने गए विधायक राजकुमार गौड़ ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन अब कल जब टिकटों की घोषणा की गई तो राजकुमार गौड़ से किनारा कर लिया गया। राजकुमार गौड़ की आगे की क्या रहेगी रणनीति, किनारा करने की क्या रही वजह, इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम बातचीत करेंगे विधायक राजकुमार गौड़ से। गौड़ साहब, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद गौड़ साहब। पूरा राजस्थान जानता है कि राजकुमार गौड़ की नज़दीकियाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में कहा भी था कि राजकुमार गौड़ है तो अशोक गहलोत है, लेकिन अब बेगानों को गले लगाकर आपके साथ सुतेलापन दिखाने का क्या कारण रहा, क्या वजह रही? नहीं, गहलोत साहब से मेरे निजी संपर्क थे, मेरे निजी संबंध थे, और उन संबंधों का मैंने व्यक्तिगत या अपने परिवार के लिए फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने 5 वर्ष एक एक मिनट एक एक पल गन के लिए काम किया, और गन के लिए मैंने जो भी मांगा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, वो गन को दिया। आज़ादी के बाद 50-60 वर्षों में जो गनर में काम नहीं हुए, जिन कामों की आवश्यकता थी, डिमांड थी लोगों की, मेडिकल कॉलेज का शुरू हो जाना, एग्रीकल्चर कॉलेज का शुरू हो जाना, नर्सिंग कॉलेज का शुरू हो जाना, 250 करोड़ से ज़्यादा के पैसे से सड़कें बन जाना, 6 गांवों में पेयजल की सुविधा हो जाना, जहाँ खारा पानी लोग पीते थे, इंग्लिश माध्यम स्कूल शुरू हो जाना, हॉस्पिटल नया बनना शुरू हो जाना 135 करोड़ से, और आज ये बहुत बड़ी बात है गनर के लिए। मैं सोचता हूँ गनर को जितना कुछ भी मिला है और जो कुछ मैंने सोचा था उससे गनर को ज़्यादा मिला है, इसलिए मुझे पूरा संतोष है कि गनर के जनता ने जो मुझसे चाहा और जो मैंने गनर की जनता से वादा किए थे, उन वादों से भी ज़्यादा मैंने इन 5 वर्षों में काम किया लोगों के लिए। कोट साहब, बात पार्टी के किनारा करने की आ रही है कि पार्टी, आप क्या मानते हैं कि पार्टी ने आपसे किनारा क्यों किया, क्या कारण है? निर्दलीय होते हुए आपने गहलोत सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसके बावजूद पार्टी ने आपको टिकट न देकर किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया? इसका जवाब तो पार्टी दे सकती है। मैंने पार्टी के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता में एक कंगनर की अच्छी छवि बनी, विधायक की एक अच्छी छवि बनी, विधायक को लोगों ने माना कि हर पर हर कृष्ण लोगों के बीच में रहता है, लोगों के आपने भी मनन किया होगा कि क्या कारण रहे ऐसे। अब ये हाईकमांड ही बता सकता है क्या कारण रहे, उनकी सोच उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ में है, हम तो जनता के आदमी हैं। आप रात से देख रहे हो, जब से न्यूज़ टेलीविज़न पे आई 5 मिनट के बाद में लोग हज़ारों की संख्या में कल से लगातार पहुंच रहे हैं, सुबह से आपके सामने पहुंच रहे हैं, सब लोगों को बात कर रहे हैं, सब लोगों की बात सुन रहे हैं, और लोग साथ हैं तो सब कुछ है। इस संबंध में आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की मुख्यमंत्री जी से इस बारे में। गौड़ साहब, आज आपका भी मानना है, हमारा भी मानना है, शहरवासियों का भी मानना है कि आपने जितने विकास कार्य इस शहर में किए हैं शायद ही किसी विधायक ने उतने विकास कार्य किए होंगे, क्योंकि विकास कार्य वो हैं जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप पे एक आरोप ये भी है कि एक तरफ जो आपने विकास की गंगा बहाई है वो गंगा मैली है, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जमकर आपने पैसे लिए हैं, ये आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो लोग जिन्होंने गनर को लूटा है, लोग जानते हैं वो लोग कौन है जिन्होंने गनर को लूटा है, लोग जानते हैं नशे का व्यापार कौन करते हैं, लोग जानते हैं नशा कौन करते हैं। राजकुमार गौड़ ने चैलेंज के रूप में कहा है, कोई माई का लाल अपने बेटे के सिर पे हाथ रख कर मंदिर में खड़ा होकर कह दे कि मुझे या मेरे परिवार को 5 रुपये भी दिए हैं तो गांधी चौक पर मुझे फांसी लगा देना आप। क्या कारण है गौड़ साहब, फिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? षडयंत्रकारी लोग हैं जिनके पास काम बताने के लिए है नहीं, काम बता नहीं सकते। राजकुमार गौड़ तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना कि हमने ये काम किए, रोजाना शिलान्यास कर रहे थे ना, जिस दिन से विधायक बने और जिस दिन तक आचार संहिता लगी रोजाना काम करते रहे थे ना, वो लोग वो अपना जवाब देवे जिन पे आरोप लगे, क्या हुआ?
क्या शहर को क्या दिया आपने? किसी भी कैंडिडेट के पास जवाब है क्या? क्या शहर के लिए उन्होंने क्या किया? वो लोग खुद भ्रष्टाचारी है, खुद अनैतिक काम करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, नशा खुद करते हैं, लोगों को कराते हैं। वो लोग केवल छवि खराब करना चाहते थे, पर राजकुमार गौड़ की छवि कोई खराब कर नहीं सका। राजकुमार जैसा पहले था वैसे राजकुमार गौड़ आज है। आप भी शहर में घूमते हो, आप भी शहर को देखते हो, कितने काम हुए, कौन लोग आए। आकर एक आदमी ने कहा आपको कि मैं पैसा देख रहा हूँ, आदमी अपने मन से सोचे, मन से पूछे, आपने पैसा दिया क्या भाई? जिससे पूछो कहता मैंने सुना था, तो मैंने सुना तो मैंने भी बहुत कुछ था आपके बारे में, आप तक भी चर्चा तो सही हो जाएगी, आप तक भी चर्चा आए। लोग करते हैं, लोगों ने कंपनी हायर की, कंपनी हायर करके इस तरह का प्रचार किया, दुष्प्रचार किया मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी। भाई 323 का केस तो बताओ, एक किसी पे हो गया हो, किसी से छीना झपटी किसी मेरे परिवार के आदमी कर लिए बताओ तो सही, किसी के साथ धक्का मुक्की होगी बताओ तो सही, किसी को गलत बोला हो बताओ तो सही। ये सब षडयंत्र लोगों ने रचा है, और इन षडयंत्रों को गनर के लोगों को समझना पड़ेगा। राजकुमार गौड़ का कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। गनर की जनता जो इस तरह की बात करके लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की बात करते हैं, गनर के लोगों को और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए कि आप हम क्या दे रहे हैं। राजकुमार गौड़ ने तो जो कहा था, स्वच्छ प्रशासन दिया, ईमानदारी दी, 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, कहीं कहीं बाहर नहीं गया, और जो कहा वो किया, और जो किया वो बोला। आज गंगानगर को विकास की गति जो मिली है, ये आने वाले 100 साल तक याद रहेगी गंगानगर के लोगों को। आपका कहने का तात्पर्य कि ये विकास की गंगा मैली तो दूर की बात है, कोई मिट्टी का कण भी साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूं हमेशा के लिए। मैं देनदार हूँ, मैं राजनीति तरफ देखूंगा नहीं। मैंने बोल दिया ना, कोई आकर मंदिर में जाकर अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कहे, कोई भी ठेकेदार से मिल लेना, किसी कर्मचारी से मिल लेना जिनके ट्रांसफर है, उनसे मिल लेना, अगर वो कह दे माँ करके, तो आप मेरे जो दंड देना चाहो मुझे दे देना। मैं राजनीति बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मैंने सेवा के रूप में लिया और मैंने जनता की सेवा की है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मेरे साथ जितनी टीम थी उसने काम किए हैं, गनर के लिए काम करवाए हैं, गनर का स्वरूप बदल रहा है, गनर की आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा रहे हैं। व्यापार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बच्चे डॉक्टर बनेंगे, बच्चे MSc करेंगे, AG में ऑफिसर बनेंगे, बच्चे आपके हॉस्पिटल में आपके नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, इससे ज़्यादा खुशी मुझे वो क्या हो सकती है। गौड़ साहब, इन आरोपों के साथ साथ अभी भाजपा सरकार, भाजपा के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि शहर में अपराध, नशा और शराब के अवैध ठेके भारी तादाद में चल रहे हैं, नशे का गढ़ बन गया है श्री गंगानगर, और ये सब राज विधायक राजकुमार गौड़ के संरक्षण में हो रहा है। ऐसे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं भाजपाइयों द्वारा। भाजपा वाले खुद में सोचें, भाजपा का राज था जब भाजपा का MLA और भाजपा के नेता के गोली मारी जाती है, वो अपना सोचें। व्यापार कौन कर रहे हैं, ठेके किन के हैं, नशा सुबह उठते ही कौन करते हैं, सोते टाइम कौन करते हैं, पानी लेकर भगवान का नाम लेकर बोलें कि हम नशा नहीं करते। मैं तो सारों के सामने 1,00,000 आदमी इकट्ठा कर लेना और उसके सामने कसम खिला के कह दूंगा भी मैं नशा नहीं करता, मेरे परिवार में कोई नशा नहीं करता। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा बेचते हैं, शाम को पार्टी करते हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बातों को आप क्या सोचेंगे, उनकी बातों को क्या सोचेंगे। आप गनर को बदनाम कर कर, आप लोगों को बदनाम कर कर, वो कहने वाले सुबह कहाँ होते हैं, दोपहर में कहाँ होते हैं, शाम को कहाँ होते हैं। मैंने जीवन में स्वच्छ राजनीति की है, 50 साल से राजनीति में हूँ, 5 साल सेवा की, एक केस बता सकते हैं जिसमें एक आदमी ने प्रिंस को आके कहा कि राजकुमार गौड़ ने ये हमें मंदा बोल दिया या मंदा कर दिया या हमारे साथ में दुर्भावना रखी। राजकुमार गौड़ भगवान को मानकर काम करता है, भगवान में विश्वास रखता है। और साहब आपने भी कहा कि आप राजनीति जो है सेवा भाव से कर रहे हैं, व्यापार के तरीके से नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान में राजनीति व्यापार की तरफ अग्रसित होती जा रही है? लोगों को साफ दिख रहा है कौन लोग हैं, माफिया लोग राजनीति में आ रहे हैं। 6 महीने में पहले कह रहे थे राजकुमार गौड़ को टपका दें, अब कहते हैं सुनील पहलवान को बोलते हैं कि आप मदद, जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसकी आप मदद मत करना, नहीं तो हम आपको टपका देंगे। कौन लोग हैं ये, कहाँ जा रहा है,
कहाँ जा रही है राजनीति, समझ नहीं पा रहे आप लोग, अभी भी समझ नहीं पा रहे, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लोगों में भयभीत है, लोग सुबह से शाम तक सोच रहे हैं आखिर इस गनर का होगा क्या। सब लोगों की बातें सामने आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से, पर मैं प्रसन्न हूँ, पूर्णतः मुझे संतुष्टि है कि मैंने 5 साल बहुत ही मेरे शानदार 5 साल रहे, मैंने काम भी किए, मेरे लोगों से व्यवहार भी रहे, मेरा लोगों से स्नेह भी रहा, मेरा लोगों से प्रेम भी रहा। रात को टिकट कटने के बाद में रात को 1:30 बजे तक यहाँ पूरी सड़क भरी रही और प्रातः सुबह 6 बजे से लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने इनको कह के नहीं बुलाया है, ये अपने आप आए हैं, ये गनर के लिए सोचने के लिए आए हैं। आपने कहा कि अपराध माफिया चुनाव में आ रहे हैं और लोगों में भय का माहौल है कि हमारा नेता कैसा होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको गनर के लोगों को राहत देने के लिए चुनाव मैदान में फिर से आना चाहिए, क्योंकि पहले भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी थी और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी, क्या आपको नहीं लगता कि फिर से चुनाव मैदान में आना चाहिए, बात श्री गंगा ही करें कि आप उनके लिए सोचते हो? तो देखो, मैंने जहाँ भयभीत की बात कही, माफिया की बात कही, वो सब आप लोगों ने छापा है, सारे समाचारों में समाचार छपे हैं, किसको धमकी दी जा रही है, कैसे धमकी दी जा रही है, क्या काम हो रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है आपके। जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने का डिसीजन है, 2018 में भी गन के लोगों ने निर्णय किया था 2018 में कि मैं चुनाव लड़ूं। आज 2023 वापिस आ गया, गन की जनता को तय करना है, गन की जनता जो कहेगी वो हम लोग करेंगे, सब साथ ही बैठेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। मेरे लिए कोई चुनाव लड़ना बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा मेरा चुनाव लड़ना या मेरा राजनीति व्यापार नहीं है मेरा। कब तक बैठक करोगे आप? ये अभी चल रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख रहे हो लोगों की भावनाएं, अभी तो मैं लोगों को सुन रहा हूँ, मैं लोगों की भावनाओं को देख रहा हूँ। आज लोगों में गुस्सा है, कार्यकर्ता में गुस्सा है, उस गुस्से को शांत करेंगे, बैठेंगे, गनर का चुनाव है, लोगों से 36 कौम के लोगों से बात करेंगे और फिर जो गनर के लोग चाहेंगे वो निर्णय करेंगे। और साहब, नगर परिषद सभापति के आरोप हैं कि उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया, जितने आयुक्त नगर परिषद में बदले इन 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक रहे वो, और इसमें राजकुमार गौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते वो काम नहीं करवा पाई, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था देख लो, सड़कों का हाल देख लो, बेहाल हुआ पड़ा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपकी कितनी भूमिका थी? आप में नगर परिषद अपना अलग काम करती है, UIT अपना अलग काम करती है। मैं सोचता हूँ कि जो लोग सक्षम नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। आपने 9 साल में आपने पूरा फंड यूज़ कर लिया, पूरा फंड आपने लगा लिया। अगर किसी को चोट करनी होती है तो सबसे पहले ये होती है कि उसकी आप जो फाइनेंस पावर है उसको आप सीज करो। पैसा आपने पूरा खर्च कर दिया, पैसा जहाँ आपने खर्च कर दिया, 1,99,000 के हज़ारों टेंडर आपने लिखा, अखबार में लिखा, आपने लिखा, फाइटर ने लिखा कि आपने सारे टेंडर आपने 1,99,000 के कर दिए, तब तो आपको काम करने के लिए किसी ने नहीं रोका। और जब जनता के हित के काम आए तब आप इस तरह की बातें करते हो। और मुझे बताइए आप कितने RS अधिकारी लगे, एक और भी तो नगर परिषद है ना राजस्थान में, MLA और भी तो होंगे ना, वहाँ भी तो BJP की भी हो सकती है, ये तो कांग्रेस की थी, हमारा बोर्ड तो कांग्रेस का था। तो मुझे बताओ, 3-3, 4-4 RS के भी हम नौकरी छोड़ देंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे, इसका क्या मतलब समझते हो? आपके कोई मैनेजर नहीं लगना चाहिए फाइटर में, तो इसमें राजकुमार गौड़ का दोष है क्या? क्या कारण मानते हैं आप बताओ ना, क्यों नहीं रहना चाहते लोग, बताइए आप सोचिए, जनता के सामने ये सवाल है, जनता के सामने सवाल है, क्यों अधिकारी ज्वाइन नहीं करना चाहते? क्योंकि वो गलत काम करना नहीं चाहते, केवल ये कह के आप लोगों ने भ्रम में डाला। आपने अपने काम तो सारे करवा लिए जितने थे, वो तो पटे फर्जी भी बन गए तो भी कोई बात नहीं, और मैंने कभी नहीं रोका, मैंने देश गवर्नर के विकास को हमेशा आगे रखा है, ना तो मेरी नेचर में है ना मेरी वर्किंग में है, मैं कभी किसी काम में नेगेटिव सोचता भी नहीं हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। और सर, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार को रिपीट करेंगे, भाजपा का कहना है कि इस सरकार को डिलीट करेंगे, आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और निर्दलीय होने के बावजूद कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, आपका क्या मानना है, राजकुमार गौड़ का क्या मानना है?
नहीं, बहुत अच्छे काम किए हैं, नो डाउट सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की सरकार के प्रति सिंपैथी है, लोग चाहते हैं सरकार रिपीट हो। नहीं, लोग चाहते हैं, आपका क्या मानना है कि सरकार रिपीट होगी या डिलीट होगी? लोग जो चाहते हैं वही होगा ना, मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा। धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे विधायक राजकुमार गौड़ से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।